हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं 18 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स, जो कि आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। आप तक ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं। मेरा नाम है देवरत्न उइके। आज का पहला सवाल, भारत ने 15 अप्रैल 2019 को ओडिशा तट से स्वदेश निर्मित किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये है निर्भय। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया। अब मैं आपको बता दूँ कि इस शब्द का अर्थ क्या है। ये जो कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, सबसोनिक क्रूज मिसाइलें, वो क्या होती है, या फिर आपने कभी सुना होगा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, या फिर जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती है वो क्या होती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के अनुसार मिसाइलों को तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है सबसोनिक मिसाइलें, दूसरा है सुपरसोनिक मिसाइलें, तीसरा है हाइपरसोनिक मिसाइलें। सबसोनिक मिसाइलें क्या होती है, इनकी स्पीड 1 मैक से कम होती है। 1 मैक का मान कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड। सबसोनिक मिसाइलों की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड हो सकती है, 230 मीटर पर सेकंड हो सकती है, मतलब 332 मीटर पर सेकंड से कम इसकी स्पीड होगी तो वो होगी सबसोनिक मिसाइलें। और सुपरसोनिक मिसाइलें क्या होती है, इनकी स्पीड होती है 1 मैक से 5 मैक के बीच में, 1 मैक से 5 मैक के बीच में। और हाइपरसोनिक मिसाइलें क्या होती हैं, 5 मैक से ज़्यादा इनकी स्पीड होती है। स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के अनुसार दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, मान लो इसका टारगेट यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पर ये रखी हुई है, तो इस टारगेट को हिट करने के लिए ये पहले वातावरण से बाहर जाएगी, फिर अपने टारगेट को आके हिट करेगी, मतलब ये हाइपरबोलिक मार्ग में चलती है। और यदि हम बात करें क्रूज मिसाइलों की, तो वो एक ही माध्यम में गमन करती है। जैसे यदि एयरफोर्स द्वारा ये मिसाइल यूज़ की जा रही है, तो एयर टू एयर ही काम करेगी, ठीक है। एयर टू एयर मतलब ज़्यादातर यूज़ की जाएगी, तो एयर टू एयर हो जाएगी, या फिर सरफेस टू सरफेस थल सेना द्वारा जो मिसाइलें यूज़ की जाती है, या फिर जो नेवी में जो मिसाइलें यूज़ की जाएगी वो एक ही माध्यम में गमन करेगी, जल में, तो वे होगी क्रूज मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें। और जो इस प्रश्न में जो बात की गई थी वो है सबसोनिक क्रूज मिसाइल। तो आप समझ चुके हैं, सबसोनिक मतलब 1 मैक से कम स्पीड है इसकी, और क्रूज मिसाइल मतलब एक ही माध्यम में हिट करेगी। तो इस मतलब, इस शब्द का मतलब आप समझ चुके हैं आई होप। और DRDO और ISRO में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। DRDO रक्षा अनुसंधान है और ये ISRO है अंतरिक्ष अनुसंधान। DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, ISRO का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और DRDO के चीफ है मिस्टर जी सतीश रेड्डी, और ISRO के चीफ है के सिवान। और सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय की जो क्षमता है वो है 300 केजी तक के परमाणु वारहेड को अपने साथ ले आने की। भारत के किस खिलाड़ी ने नीदरलैंड में डच इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब जीता? ये है भारत के हर्षिल दानी। हर्षिल दानी ने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफरसेन को हराकर नीदरलैंड में डच इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब जीता। और ये पूर्व जूनियर चैंपियन है। पूर्व जूनियर चैंपियन दानी ने दुनिया के 149वें नंबर के खिलाड़ी को 47 मिनट में हराया, 15-21 से, 21-12 से और 21-13 से। पिछले साल इन्होंने घाना इंटरनेशनल और पोलिस इंटरनेशनल खिताब जीता था। अगला सवाल, किस खिलाड़ी ने 83 और मास्टर्स गोल्फ खिताब जीता? ये जीता टाइगर वुड्स ने। टाइगर वुड्स ने विवादों और करियर के लिए खतरा बनी चोट से उभरकर शानदार वापसी करते हुए बैक नाइक रैली के साथ 83 व मास्टर गोल्फ खिताब जीता। ये उनके करियर का 15वां खिताब है। अमेरिका के ब्रूक्स कोपका और डस्टिन जॉनसन और सैंडर शाफेले दूसरे स्थान पर इस टूर्नामेंट में रहे। अगला सवाल, चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे और किस नेता पर 48 घंटे तक प्रचार करने पर रोक लगाई है? ये है मायावती। मायावती पर 48 घंटे और मिस्टर योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे प्रचार करने पर रोक लगाई है। हुआ मामला ये था कि योगी आदित्यनाथ को अली बजरंगबली वाले केस में और मायावती को मुस्लिमों को वोट देने वाले भाषण में नोटिस भेजा है, इसलिए इस पर
72 घंटे और 48 घंटे की रोक लगा दी गई। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की भारतीय टीम का कौन सदस्य नहीं है? विजय शंकर, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या या ऋषभ पंत? ऋषभ पंत 15 सदस्यीय भारतीय टीम का सदस्य नहीं है, जो कि बीसीसीआई ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के लिए घोषित की है। ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। ये टूर्नामेंट 30 मई से शुरू हो रहा है और इसका फाइनल 14 जुलाई को इंग्लैंड के लॉर्ड्स ग्राउंड में होने वाला है। इसकी मेजबानी कर रहा है इंग्लैंड, और इससे पहले भारत दो बार इस खिताब को जीत चुका है, 1983 में कपिल देव की कप्तानी में और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। भारत तीसरी बार इस खिताब को जीतना चाहेगा। 15 सदस्यीय टीम इस प्रकार है: विराट कोहली कैप्टन, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी, और जो सेकंड विकेट कीपर है वो है दिनेश कार्तिक, शिखर धवन, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, विजय शंकर, हार्दिक पांड्या, के आर राहुल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। इस प्रकार ये टीम घोषित कर दी गई है। वह स्थान जहां विश्व के सबसे बड़े विमान ने हाल ही में सफल उड़ान भरी, वो स्थान है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में इस विमान ने सफल उड़ान भरी। दुनिया के सबसे बड़े विमान ने 13 अप्रैल 2019 को परीक्षण के लिए पहली बार उड़ान भरी और इसका परीक्षण करीब 2.5 घंटे तक मोजावे रेगिस्तान के ऊपर चला। इस विमान का निर्माण अंतरिक्ष में रॉकेट ले जाने और उसे वहां छोड़ने के लिए किया गया है। स्ट्रेटो लॉन्च नामक दुनिया के सबसे विशाल विमान ने पहली बार उड़ान भरी और इस तरह से यह अंतरिक्ष में रॉकेट ले जाने वाला पहला विमान बन गया है। द फोर रिसिलियंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस 2019 की शुरुआत कहाँ से हुई? आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद और दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा सह मेजबानी द्वारा आयोजित फोर रिसिलियंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस 2019 की शुरुआत नई दिल्ली में हुई और यह 17 अप्रैल 2019 को समाप्त होगा। यह बहुत सारे अभिनव समाधान प्रदान करता है जो उपराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए लचीलापन पैदा करते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के स्थानीय सरकारें इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य हैं। रोंगाली बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू त्यौहार मनाया जाता है असम में। 14 अप्रैल 2019 को असम का सबसे बहुप्रतिष्ठित त्यौहार रोंगाली बिहू मनाया गया, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह नए असमिया कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। लोग इस त्यौहार को पारंपरिक बिहू नृत्य के रूप में मनाते हैं, जो हसोरी के रूप में होता है, जो बिहू नृत्य के प्रकारों में से एक है। हसोरी नृत्य, जिसमें बिहू नर्तकियों के एक समूह ने बड़े लोगों के आशीर्वाद के लेने के लिए नृत्य करने के लिए घरों का दौरा किया। यह त्यौहार लगभग उसी समय मनाया जाता है जब पंजाब में वैसाखी, बंगाल में पोइला वैसाख, तमिलनाडु में पुथंडू और केरल में विशु त्यौहार मनाया जाता है। रामनाथपुरम के किस अभिनेता और पूर्व सांसद का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ? यह आप फोटो में देख सकते हैं, ये है जेके रितेश। डीएमके में रहते हुए इन्होंने 2009 में लोकसभा चुनाव में ये रामनाथपुरम के सांसद बने और इनका कार्डियक अरेस्ट के कारण यहाँ पे मृत्यु हो गई। किसे केनरा बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? ये है आर ए शंकर नारायणन। 15 अप्रैल से वे अपना पद संभाल चुके हैं और वे 31 जनवरी 2020 तक, जो इनकी सेवानिवृत्ति तिथि है, या इससे पहले सरकार के आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे या रह सकेंगे। वित्तीय क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले आर ए शंकर नारायण फाइनेंस से एमबीए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, या वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। अपने सवाल या सुझाव देने के लिए वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।